ठंड ज्यादा पड़ रही हो तो बाजरे और गुड़ का कुछ गरम गरम बना के खा लिया जाए तो ठंड में भी राहत मिलती है और इम्यूनिटी तो बढ़ती ही है। अभी कोविड की वजह से सभी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें ही ज्यादा खा रहे हैं, पर आपको पता है कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कुछ नया खाने की जरूरत नहीं है। बस डाइट में सीजनल चीजें ऐड कर लें जो हम सदियों से खाते आ रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी अपने आप अच्छी ही रहेगी। हम हमेशा से देख रहे हैं कि सर्दियों में बाजरा, गुड़, तिल, बादाम, मूंगफली, गोंद ये सब चीज़ें खाई जाती हैं क्योंकि ये इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। इसलिए आज हम बना रहे हैं बाजरा, गुड़ और तिल की बर्फी। ये खाने में भी बहुत ज़बरदस्त है और फ़ायदेमंद तो है ही। तो चलिए शुरू करते हैं बाजरे की बर्फी। तो सबसे पहले कढ़ाई में लेंगे 1 कप तिल और इन्हें मीडियम लो फ्लेम पर भुनेंगे। 2-3 मिनट में तिल हल्के भुन जाएंगे। तो बस तिल को हमें 2-3 मिनट तक हल्का ही भुनना है, बहुत देर तक तिल को हम नहीं भुनेंगे क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक तिल को भुना जाए तो तिल कड़वे हो जाते हैं। तो 2-3 मिनट बाद में जब तिल भुन जाएंगे तो तिलों को हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। फिर इसी कढ़ाई में हम डालेंगे 1/2 कप घी और इसमें डालेंगे 1.5 कप बाजरे का आटा। फिर घी में बाजरे के आटे को मिक्स करेंगे और इसको लगातार चलाते हुए मीडियम लो फ्लेम पर भुनेंगे। जैसे हम गेहूं के आटे को भुनते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम बाजरे के आटे को भुनेंगे। इसे रोस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और जैसे जैसे ये सिकता जाएगा वैसे वैसे ये घी भी छोड़ने लगेगा। तो ये देखिए अब इसने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और जब ये सिक जाएगा तब बाजरे का कलर और चेंज हो जाएगा और इसमें से खुशबू भी आने लगेगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि बाजरे को लगातार चलाते रहना है ताकि वो जले नहीं और सब तरफ से अच्छी तरह से भुन जाए। तो लीजिए बाजरा सिक गया है, बाजरे का कलर चेंज हो गया है और इसमें से खुशबू भी आने लगी है। अब तिल को चेक कर लेते हैं। तो देखिए तिल भी ठंडे हो गए हैं, इन्हें ग्राइंडर जार में डालेंगे और तिलों को ग्राइंड कर लेंगे। फिर इसे हम एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे। और सिका हुआ बाजरे का आटा भी इसी मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे। और फिर कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच घी। और इसमें डालेंगे 1.5 कप गुड़। गुड़ को हम मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। गुड़ अगर आपको लगता है कि थोड़ा हार्ड है तो इसको छोटे पीसेस में तोड़ करके या फिर ग्रेटर से ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। फिर जब गुड़ मेल्ट हो जाएगा तब गैस को बंद कर दें। फिर इस गुड़ में मिलाएंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए और थोड़ा सा करीब 1/4 चम्मच इसमें हम मिला रहे हैं जायफल। जायफल की भी तासीर गर्म होती है, बहुत फायदेमंद होता है, इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है, फायदा भी ये बहुत करता है। और फिर तिल और बाजरे का आटा कढ़ाई में डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और फिर जिस कंटेनर में बर्फी जमाना चाहते हैं उसमें पार्चमेंट पेपर लगाएं या फिर आप उसको घी से चिकना भी कर सकते हैं और फिर मिक्सचर को कंटेनर में डाल करके फैला लें। फिर इसे सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। और जब ये सेट हो जाएगी तो अपनी पसंद की शेप में बर्फी के पीसेस कट कर लें।
तो लीजिए, बाजरा तिल और गुड़ की बर्फी बनकर के तैयार है। ये बर्फी बहुत टेस्टी बनी है और ठंड में तो इसके बहुत ही फायदे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई भी करके देखेंगे। तो चलिए, रेसिपी अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सर्दियों के मौसम में सर्दी से राहत के लिए गर्म चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड किया जाए तो ठंड से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। और क्योंकि तिल और गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसलिए तिल गुड़ को लड्डुओं की फॉर्म में खाया जाता है। तिल और गुड़ के लड्डू बहुत तरह से बनाए जा सकते हैं। और आज हम बना रहे हैं मकर संक्रांति स्पेशल तिल और मूंगफली के लड्डू। तो सबसे पहले एक पैन में डालेंगे 1 कप तिल। इन्हें मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट तक भुनेंगे। जब तिल भुन रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक तो ये कि तिल जलने नहीं चाहिए, इन्हें लगातार चलाते रहना है, और दूसरा ये कि तिल का हमें कलर चेंज नहीं होने देना है। यानी जैसे ही तिल में से तड़कने की आवाज आने लगे, गैस को बंद कर दें और तिल को एक दूसरे बर्तन में निकाल लें और इन्हें ठंडा होने के लिए रख दें। अब इसी पैन में क्या करें, 1 कप मूंगफली डालें और मीडियम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इन्हें भुनें। मूंगफली भी हमें जलानी नहीं है तो इन्हें लगातार चलाते रहेंगे और जब इनका कलर चेंज होने लगेगा तब एक मूंगफली का दाना हाथ में लें और इस तरह से रब के इनका छिलका उतार करके देखें। अगर मूंगफली का छिलका आसानी से उतर रहा है तो मतलब मूंगफली भुन गई है। तो आप गैस को बंद कर सकते हैं और मूंगफली को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो मूंगफली ठंडी हो गई है। अब दोनों हाथ के बीच में मूंगफलियों को इस तरह से लेके रब करते हुए इनका छिलका उतार लेंगे। जब मूंगफलियों का छिलका उतर जाएगा तब इनका छिलका अलग करने के लिए इन्हें एक प्लेट में डालेंगे और इस तरह से उछालते हुए मूंगफली के दानों से छिलकों को अलग कर लेंगे। तो मूंगफली के दाने तैयार हैं, इनका छिलका उतर गया है। अब इन्हें दरदरा ग्राइंड कर लेते हैं और एक बोल में निकाल लेते हैं। अब तिल भी चेक कर लेते हैं, तिल भी ठंडे हो गए हैं, इन्हें भी ग्राइंड कर लेंगे, दरदरा ग्राइंड करेंगे और इन्हें भी मूंगफली के साथ में ही निकाल लेंगे। अब इसमें 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल दें और 1/2 चम्मच इलायची पाउडर भी। तो ये मिक्सचर तैयार है, इसे एक साइड में रख देते हैं। अब एक पैन लेंगे, उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। अब इसमें 1 कप गुड़ डालें। अगर आप सॉफ्ट गुड़ काम में ले रहे हैं तो ये तो आसानी से मेल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर हार्ड गुड़ है तो गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ करके डालें, तो इससे गुड़ आसानी से और जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो गुड़ जब मेल्ट हो जाएगा तो गैस को बंद कर देंगे और इसमें तिल और मूंगफली का मिक्सचर डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर जब थोड़ा सा ठंडा होगा, यानी इतना ठंडा होना चाहिए कि हाथ लगा सके, तो मिक्सचर जब हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब हथेली पर थोड़ा सा पानी लगा लेंगे ताकि लड्डू बनाते टाइम तिल चिपके नहीं और लड्डुओं की शेप भी एकदम गोल रहे। तो हथेली पे पानी लगा लिया, अब थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसके लड्डू बनाएंगे। अगर लड्डू नहीं बन पा रहे हैं तो मिक्सचर को थोड़ा सा गर्म कर लें। इसमें आप थोड़ा सा चाहें तो घी भी मिला सकते हैं या फिर दूध भी मिला सकते हैं, तो ये आसानी से लड्डू बन जाएंगे। इस पर अगर आप थोड़ा सा पिस्ता लगाना चाहते हैं तो हाथ पे इस तरह से पिस्ते के 2-3 पीसेस डालें और लड्डुओं को बांधें, तो ऊपर से पिस्ते का भी कलर नजर आएगा। तो ये लीजिए, तिल के लड्डू बन करके तैयार है, स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, साथ ही हमें फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो करें और निश्चय ग्रुप के बाकी चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब निश्चय व्यूअर्स के लिए एक सरप्राइज, अगर आपके पास कोई रेसिपी है जिसे आप चाहते हैं कि हम बनाएं अपने चैनल पर, तो अपनी रेसिपी हमें भेजें। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी हमें रेसिपी भेज सकते हैं या फिर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पर भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आपकी रेसिपीज हम बनाएंगे अपने चैनल पर आपके नाम से। तो अपनी रेसिपीज फटाफट से हमें भेजें, हम लाएंगे आपके लिए आपकी रेसिपी आपके नाम से। तो चलिए, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगली बार, और तब तक के लिए ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोर अपडेट्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द वीडियो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।